हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल अलोन विद मी। आप लोग कैसे हैं? सॉरी मैं वीडियो नहीं डाल पाया, थोड़ा सा प्रॉब्लम में था इसी करके। और आज भी बहुत मेरे साथ ना, जब से मैंने इंडिया से कनाडा का जो ट्रैवल प्लान किया है अपना, तब से कोई ना कोई प्रॉब्लम आई जा रही है। तो आज भी यार बड़ा पंगा ये हुआ कि अभी मैं थोड़ी देर पहले आ रहा था तो एक बाइक वाले ने सामने से मेरी गाड़ी में बहुत तेज मारा, जिसकी वजह से रेडिएटर और जो एसी का फैन है और कॉइल है वो पूरा का पूरा डैमेज हो गया। और जिसकी वजह से अभी मुझे गाड़ी सर्विस सेंटर भेजनी पड़ रही है। पहले तो वहाँ पे देखता हूँ कितने दिन में काम करते हैं और क्या इसमें क्या क्या और होगा ये फालतू का खर्चा। अभी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने वो बाइक वाले को क्यों नहीं रोका, तो यार वो राइडर था, किसी कंपनी का ऐप यूज़ करता होगा वो राइडर था। और पता नहीं उसको सडनली सामने से क्या हुआ, वो रॉन्ग साइड आ रहा था और उसको दिखा नहीं, और वो एकदम से आ करके उसने सामने से बहुत तेज मारा। मैं रुक करके खड़ा हो गया, मैंने कहा यार मैं मारूंगा तो फिर ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं रुक के खड़ा हो गया। उसने बहुत तेज मेरी गाड़ी में मारा जिसकी वजह से ये नुकसान हो गया। तो आई होप आप लोग समझ ही सकते हैं कि मेरी सिचुएशन अभी कैसी होगी। बट मैं प्लान कर रहा हूँ, अभी लगा हुआ हूँ इसके अंदर कि ये कैसे होगा। अभी तो पासपोर्ट भी नहीं आया, मेरा वीज़ा भी नहीं लग के आया है, तो लगा हुआ हूँ उसमें भी सारा कुछ करने में। सोच रहा था कि आज शॉपिंग करने भी जाऊँगा कुछ। अभी मुझे एक GoPro लेना है और एक जो है जो कि एक आई थिंक GoPro के साथ तो जो हैंड स्टिक तो आती है शायद, वो क्योंकि मोबाइल के साथ वीडियो बनाने में ना बड़ी डिफिकल्टी होती है कई जगह पर। तो मैंने सोचा एक GoPro ले लेता हूँ जो कि काफ़ी कंफर्टेबल होता है वीडियो बनाने के लिए और बड़ा इजी भी होगा उससे, क्योंकि मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ। हमेशा मैं ऐसे अकेला ही ट्रैवल करना पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे अकेला ही अच्छा लगता है ट्रैवल करना। तो मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि मैं शॉपिंग करने भी जाऊँगा, लेकिन अभी तो गाड़ी में दिक्कत हो रही है। अभी चल रहा हूँ, अब मेरी क्या कहते हैं गाड़ी में मेरी शक्ल देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पसीना भी आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी AC चलाया तो मुझे पता लगा कि AC चल ही नहीं रहा है। फिर मैंने जब जाके चेक किया आगे से खोल के, तो मुझे जाके पता लगा कि यार ये तो बड़ा नुकसान हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी रोक करके आगे कि कितना ज़्यादा डैमेज हो गया है आगे, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, ऐसे ही सपोर्ट करें ताकि मैं जितना जल्दी हो सके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके और मैं निकलूँगा प्लान अपने जो मैंने इंडिया से कनाडा बाई कार का प्लान किया है वो मैं निकलूँगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें ताकि आपको जो न्यू अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। और प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर और लाइक भी करें ताकि मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छे अच्छे कंटेंट देता रहूं। आज का दिन ही ना बैड है बड़ा मेरे लिए ना आज, बट कोई बात नहीं, कितना बैड होगा आज मेरे लिए इसको मैं बैड लक नहीं बोलता कभी भी, मैं हमेशा बैड लक कभी यूज़ ही नहीं करता हूं अपने लिए, क्योंकि हमेशा दिन अच्छा होता है। आप पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिव होगा आपके साथ। तो इसलिए लाइफ में कभी भी ना आप पॉजिटिव मतलब नेगेटिव मत सोचो, हमेशा पॉजिटिव रहो। तो मैं ना हमेशा जो है नेगेटिव ही नहीं सोचता हूँ, क्योंकि नेगेटिव अगर आप सोचोगे तो आपके पास पॉजिटिव कभी नहीं होगा। तो इसीलिए हो सकता है मेरे साथ बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता था जो कि एक छोटा मोटा होकर के निपट गया। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी जो है वेट करना पड़ेगा मेरी वीडियोस का, बट मैं बहुत जल्दी वीडियोस लेके आऊँगा और अपना ट्रैवल प्लान जैसे ही होगा बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करूँगा। फाइनली गाइस मैं आपको दिखाता हूँ
की जो गाड़ी लगी है सारा टूट गया अंदर। जिसकी वजह से अभी मुझे जाना पड़ेगा। पीछे तो इतना ज़्यादा नहीं है नुकसान हुआ है, लेकिन आगे से बहुत ज़्यादा हो गया। इसकी वजह से ये सारा बम्पर वगैरह भी निकल गया सारा का सारा।